तुम्हें सबसे पहले तो सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, ठीक है? एरे, स्ट्रिंग्स, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन। तो इंटरव्यूज भी एंगुलर पे फोकस करेंगे, सारे एंगुलर के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हें एंगुलर के बेसिस पे जज करेंगे। इंटर्नशिप वाला एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत इंटर्नशिप्स आती हैं, ओपनिंग्स, सो तुम वहां पे चेक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आयुषी देसाई। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है। सो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स में भी मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखो, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स भी ना दो तरह की होती हैं। एक होती है जो तुम्हें, जैसे जब तुम्हें फुल ऑन तुम्हारी डेवलपमेंट प्रोफाइल पे तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है? दूसरा होगा जो तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बेसिस पे इंटर्नशिप लोगे। जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ठीक है, वो तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बेसिस पे तुम्हें हायर करेगी, ठीक है? जैसे जो उनका टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पूछेंगे, इंटरव्यूज में पूछेंगे, ठीक है? और वो लेवल भी मॉडरेट मीडियम टू हाई होगा, ठीक है? दूसरी तरफ आ जाते हैं स्टार्टअप्स, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं या कुछ और जो कंपनीज हैं जो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी डेवलपमेंट प्रोफाइल देखेंगे कि तुमने रिएक्ट पे काम किया है, ठीक है? तो वो तुम्हें जो तुम्हारा टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट भी या इंटरव्यूज में, वो तुम्हारे रिएक्ट पे स्पेसिफिक होंगे, ठीक है? फोकस करेंगे तुम्हारी रिएक्ट की स्किल्स पे, सारी रिएक्ट से रिलेटेड नॉलेज पूछेंगे, कोई भी फ्रेमवर्क जिस पे तुमने काम किया है, ठीक है, जो भी उनकी ओपनिंग है ना, जो भी उनकी ओपनिंग है, उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और तुम्हारे रिज्यूमे मैच करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। ये दो तरह की हो गई, एक जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बेसिस पे तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी, दूसरा तुम्हारी डेवलपमेंट साइड पे। जैसे होता है नहीं है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स अभी नहीं किया होता, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रांग होती है, पर वो ये वाला पाथ चूज कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट वाली इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, ठीक है? सेकेंडली, जिन्होंने अभी डेवलपमेंट इतनी नहीं की है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं अच्छे से, सारे आते हैं ऑलमोस्ट, कोडिंग हो जाती है, ठीक है, वो वाले ये वाला पाथ चूज कर सकते हैं जिसमें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बेसिस पे टेस्ट क्लियर करना होगा, ठीक है? ये तो रहा कि दो तरह की इंटर्नशिप्स, ठीक है? अब ये देखते हैं कि कितना लेवल तक प्रिपेयर करना होगा इंटर्नशिप के लिए, कैसे प्रिपेयर करना होगा। देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का तो ये है कि तुम्हें सबसे पहले तो सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, ठीक है? एरे, स्ट्रिंग्स, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, ठीक है, ग्राफ, सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद अब तुम्हें ना जो भी तुम कंपनी में अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके तुम्हें प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं, ठीक है? तुम्हें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लगेगी, ठीक है, कि ये वाले ज़्यादातर ऑनलाइन टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं या इंटरव्यू में ये टॉपिक पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो जब तुम 10-15 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे, तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ठीक है, ये जो मैंने कर पढ़े हैं, मुझे लाइक 80% क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, वो ज़रूर पढ़ना, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इतना तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि लेवल बहुत हार्ड होगा, ठीक है, इंटर्नशिप लेवल का कर रहे हो तो मीडियम तक तो होगा, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी की कितना लेवल होगा, ठीक है, कोई कोई जैसे मीडियम तक होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इतना श्योर है, क्योंकि इंटर्नशिप लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फुल टाइम से तो देखो कम ही होगा। और दूसरा, अब बात करते हैं डेवलपमेंट वाले की। सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, तुमने देखा कि उसकी लेट्स से एंगुलर की ओपनिंग निकली हुई है इंटर्नशिप के लिए, सो दे आर हायरिंग फॉर एंगुलर डेवलपर्स इंटर्न्स, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम अपना रिज्यूमे उस तरह का बनाएंगे,
ठीक है, हमें एंगुलर आती है, हम एंगुलर अच्छे से रिज्यूमे में डालेंगे, अपने जो हमने एंगुलर पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एक या दो वो डाल देंगे रिज्यूमे में। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, और अब डिपेंड करता है, ठीक है, जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें सिनेरियोज होंगे जिसमें तुम्हें एंगुलर में कोडिंग करनी होगी, ठीक है, लाइक कोई तुम्हें कुछ यूआई कुछ कनेक्शन करना होगा बैकएंड से, यूआई बनानी होगी, कुछ करना होगा जिसमें एंगुलर यूज होगी, ठीक है। सो ये तुम्हारा इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यूज भी एंगुलर पे फोकस करेंगे, सारे एंगुलर के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें एंगुलर के बेसिस पे जज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि किस तरह प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है। अब अगर ये देखा जाए कि डेवलपमेंट इंटर्नशिप के लिए कितना प्रिपेयर करना है एंगुलर, तो इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। जो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट भी होगा उसमें भी अगर तुम्हें एंगुलर करी हुई है तुमने, ठीक है, तो तुम इजीली कर सकते हो। इंटरव्यू में भी वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, तुम्हारे बेसिक्स देखेंगे कितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। सो ये अच्छे से कर लेना, जो भी तुम टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, चाहे रिएक्ट है, फ्लटर, एंड्रॉयड, ठीक है, जिस भी टेक्नोलॉजी पे तुम काम करते हो उसका तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। सो देखो 80% ऑफ टाइम तो वो ओपनिंग निकालते हैं, ठीक है, उनके करियर पेज पे इंटर्न्स के लिए ओपनिंग आती है, तो 80% टाइम तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने ओपनिंग देखी, तुम ओपनिंग की जॉब आईडी लो और तुम रेफरल लो लिंक्डइन से। सो उसका अपना प्रोसेस है कि रेफरल के लिए क्या करना है, एज इन किस तरह से तुम्हें रेफरल के लिए किससे रिक्वेस्ट करनी है या वो सब, तो वो अपना अलग है एक टॉपिक। सो बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, तुमने ओपनिंग देखी, तुमने जॉब आईडी उठाई, तुमने रेफरल लिया, ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया। सो दूसरी बात आ जाती है स्टार्टअप्स में अप्लाई करने की, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स ढूंढने की। तो इंटर्नशिप वाला एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत इंटर्नशिप्स आती हैं ओपनिंग्स, सो तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुम्हें टेक्नोलॉजी है वो फिल्टर आउट करो, ठीक है, जो भी तुम्हें मरी लाइक फिल्टर्स लगाने हैं, जो अगर कि तुम्हें लोकेशन वाइज या कुछ भी तुम्हारे जो है वो तुम फिल्टर करो, और वहाँ पे तुम इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। और लिंक्डइन पे भी तुम कर सकते हो, लिंक्डइन पे जॉब सेक्शन में जाओ और वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए करो और चेक करो, वहाँ पे ओपनिंग्स आती रहती है, ठीक है, स्टार्टअप से लेके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तक, तो वहाँ तुम कर सकते हो। ऑल्सो कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहा करो, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, वो पोस्ट करते रहते हैं अगर इंटर्न्स की ओपनिंग होती है, ठीक है, कभी कभी हमारी मिस आउट हो जाती है जॉब सेक्शन में, तो तुम उन्हें अगर तुम्हारी फीड में तुम्हारे तुम डिफरेंट पेजेस को फॉलो करो, हैशटैग्स को फॉलो करो, ठीक है, जिससे तुम्हारे तुम अपडेटेड रहो, ठीक है, और तुम्हारी कोई ओपनिंग मिस ना हो। सो लिंक्डइन और भी बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्रोच फॉर स्टार्टअप, ठीक है। सो तुमने देखा कि तुमने जो भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, ठीक है, तुम सर्च करो वो कंपनीज जो वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो स्टार्टअप्स, ठीक है, और तुम उनके जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनको रीच आउट करो, ठीक है, लिंक्डइन पे उनको बोलो कि आई हैव वर्कड ऑन दिस, आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, ठीक है। सो इस तरह तुम अप्रोच कर सकते हो फॉर स्टार्टअप। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इसमें अच्छे से डिस्कस किया कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सो कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, एंड कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हें कोई और पॉइंटर पता हो तो बाकी सबकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।